तो दोस्तों बात करेंगे आपके यूपीटेट 22 दिसंबर 2019 हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चे हिंदी में डाउट्स में आते हैं। तो दोस्तों हिंदी भाषा 1, जी हाँ, इसमें आपके 30 में से 30 नंबर बन सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको, 10 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, 10 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, भाग 2 आपका हिंदी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों 31, देखिए आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका 231 से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों हमने सीरीज को बरकरार रखा है, ठीक है ना। तो विद्यालय शब्द में आपके दोस्तों क्या है, शब्द में है कौन सी संधि दोस्तों, ये बताना, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों विद्यालय का क्या होता है, विद्या प्लस आले, मतलब इसमें दोस्तों आपका दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन यह स्वर बोला गया तो चलिए ये सही है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, आपको ये बताना दोस्तों। तो पवन का दोस्तों क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, मतलब आपका विकल्प नंबर सी सीधे होगा आंसर सही, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आप दोस्तों अपना कमेंट करते रहिए कि आपको क्या आंसर सही लग रहा है, या मतलब आप कैसे पढ़ रहे हैं, गलती हो रही तो भी बताइए, तो ही आपको सीख पाएंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा, हिंदी में वचन होते हैं कितने होते हैं, एक होते हैं, दो होते हैं कि तीन होते हैं कि अनगिनत या इनफाइनाइट, सोचिए आंसर करिए। तो आपके हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो होते हैं, ठीक है ना। फिर 34 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, आगरा का बहुवचन होगा, आगरे होगा कि आगरो होगा कि आगरे होगा कि बहुवचन नहीं होगा, बताइए दोस्तों सही आंसर, तो सोचिए जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। तो दोस्तों जो 34 का सही आंसर होगा इसका बहुवचन नहीं होगा। रीजन क्या है दोस्तों, ये आगरा शब्द का बहुवचन नहीं होगा, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। 35 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, सीधे देखते हैं, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, आपको बताना है, पद कहते हैं कि विकारी शब्द कहते हैं कि अविकारी शब्द कहते हैं कि पद बंध कहते हैं, सोचिए और आंसर बताइए जल्दी से 35 का। तो दोस्तों इसको सही आंसर हो जाएगा हमारे, इसका सी विकल्प, अविकारी शब्द। जी हाँ दोस्तों, जिन शब्दों के प्रयोग में के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द। फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको देखते हैं जल्दी से, कि शब्द के सही रूप का चयन करना है, तीसरा या त्रिष्णा, तृष्णा या तृष्णा, बताइए दोस्तों। ये तो क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा, इसका सही आंसर आप देखते ही बोल दोगे यार, डी वाला विकल्प है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल में कभी ना कभी आपने इस शब्द का यूज किया होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग होगा, कवित्री होगा कि कवि होगा कि कवयित्री होगा कि कवित्री होगा, सोचिए आंसर करिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्त इसका जो आपका विकल्प नंबर सी है ये सही आंसर है, कवित्री। तो देखिए पेपर में आपको फंसाने के लिए बिल्कुल सेम सेम आंसर दे सकता है जिससे आप कंफ्यूज हो। 38 नंबर क्वेश्चन, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, संस्कृत कहलाती है कि तद्भव, तत्सम या देशज, सोचिए आंसर करिए। तो आप समझ गए होंगे कि यह संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे आपके तत्सम कहलाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए जल्दी से, उसे दोस्तों बोलते हैं द्वंद्व समास, विकल्प नंबर ए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। फिर दोस्तों बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, शुद्ध शब्द है उज्ज्वल की उज्ज्वल, ये वाला बताइए, सोचिए आंसर करिए जल्दी से। तो 40 का दोस्तों जो हमारा सही विकल्प है ना वो वाला डी वाला है, उज्ज्वल। फिर हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, कि अनुरक्त का विलोम शब्द होगा, आरक्त होगा कि विरक्त होगा कि निरक्त होगा कि आसक्त होगा, 41 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा बी विकल्प, विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। देखिए दोस्तों पहले 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप बता सकते हैं कि 11 में से कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कि निम्न में से किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सभी तत्सम शब्द बता रहे हैं। तो 42 का सही आंसर आपको जल्दी से देखना और बताना, सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, की काष्ठ, ग्रत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, की निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य, सोचिए आंसर करिए इसका जल्दी से। इसका सही आंसर दोस्तों आपका विकल्प नंबर ए। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कुरूप, कुकर्म, कुशल, कुचार, ये बताने दोस्तों किसमें आपका कु उपसर्ग नहीं है, नहीं को हम हाईलाइट करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा कुशल, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 44 नंबर, इन, ठीक है दोस्तों, प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, पुजारिन में हुआ है कि कठिन में हुआ है कि मीन में हुआ है कि चिन्ह में हुआ है, तो जो 44 का सही आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ए विकल्प, पूजा प्लस ऋण। फिर दोस्तों इसके बाद बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं,
क्या कहते हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही आसानी से समझ के होंगे, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं आपका द्विगु समास। इसलिए दोस्तों हमने इसका विकल्प नहीं पढ़ा। तो दोस्तों आपने पहले 5 मिनट में 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब अगले 15 क्वेश्चन और बचने लास्ट के। द्वंद्व समास है दोस्तों, कौन सा दोस्तों ये बताएं, लंबोदर है कि अंधकूप है कि नर नारी है कि सरणाग्रत। ये तो देखते ही आप समझ गए होंगे यार कि इसका एक साइन भी होता है द्वंद्व समास का, ये देख रहे हैं ना, नर नारी के बीच में ये। 47 नंबर क्वेश्चन, नगर में रहने वाला को कहा जाता है दोस्तों क्या बोलते हैं, शहरी कहते हैं कि नागर कहते हैं कि नर नारी की सरणागत, बताइए क्या कहते हैं। जो नगर में दोस्तों रहता है उसको हम बोलते हैं नागर, शहरी नहीं बोलते कि कहते हैं शहरी रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, फिर से दोस्तों हम हाईलाइट करेंगे कि क्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर पेपर में नहीं पर निश्चित चिन्ह ना लगे ना तो खुद आप ऐसे टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। सैसो की लोहा की लकड़ी की पुस्तक, 48 नंबर का सही आंसर करना दोस्तों क्वेश्चन का, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैसो, ठीक है ना। 49 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है कि राम घर पर सो रहा है कि राजा ने निर्धनों को कंबल दिए कि निसार खेलता है। 49 का दोस्तों आपको सही आंसर बता रहे हैं क्या होगा, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका संप्रदान कारक के लिए कि राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कि निजवाचक है कि संबंधवाचक है कि दोस्तों अनिश्चयवाचक है, आपको यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। 51 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है यह बताना है, रस्सी जल गई कि सीमा पढ़ रही है कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो कि बच्चा सोता है। तो दोस्तों 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा सी विकल्प, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। पहला विकल्प आपका जो छोटा हो कि जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, कि दोस्तों जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, कि दोस्तों जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय और एक क्रिया हो, सोचिए और आंसर बताइए इसका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 52 का वो विकल्प नंबर डी होगा, जिसमें एक उद्देश्य होना चाहिए एक विधेय और एक क्रिया हो। 53 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, मोहन बाजार जा रहा है इस वाक्य में उद्देश्य है, मोहन की खरीदारी की घूमना की बाजार। तो दोस्तों जो 53 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा कि मोहन, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा आपका मोहन, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें मोहन आपका कर्ता है या उद्देश्य कह सकते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग, कि निम्न में से मिश्रित वाक्य है, वर्षा हो रही है कि मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है कि सुधीर पढ़ता है कि मैंने सुना है कि निशा पास हो गई। तो दोस्तों जो 54 का सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर डी होगा, मैंने सुना है कि निशा मतलब नीना पास हो गई है। 55 नंबर क्वेश्चन, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयवाचक कि दोस्तों अवतरण का उदाहरण चिन्ह कि प्रश्नवाचक चिन्ह कि निर्देशक चिन्ह। तो 55 का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी विकल्प होगा आपका, अवतरण या अवतरण का उद्धरण चिन्ह। देखिए दोस्तों विस्मयादि बोधक का जो साइन होता है हम बता देते हैं कि करके, इसका दोस्तों ये वाला साइन होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आपका तीसरा वाला विकल्प था, ये तो सबको पता क्वेश्चन मार्क होता है। फिर दोस्तों बात आती है आपका निर्देशक चिन्ह, मतलब आपका ऐसा एक डॉट ऐसे लगा दीजिए, समझ रहे हैं कैसे, दो नाम के बीच में डंडी लगा दीजिए, निर्देशक चिन्ह हो गया। अवतरण या उद्धरण चिन्ह दोस्तों आपका क्या होता है पता है, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा आप देखे ना, इन्वर्टेड कॉमा थ्रू होता है डबल वाला फिर बंद होता है, वो चीज है। अब दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है ये आपको बताना है, जो पत्र आ जाए कहाँ है ये वाला, कि जो पत्र आ जाए कहाँ पर है, कि जो पत्र आ जाए कहाँ है, जो पत्र आ जाए है कहाँ है, सही विराम चिन्ह ये दोस्तों आपको देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल था ए विकल्प, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह तो होगा ही होगा कि कहाँ है, समझ गए होंगे, तो सिंपल था आंसर था। 57 नंबर क्वेश्चन, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे पूर्ण होगा, शेर को सामने देखकर दोस्तों आगे क्या होना चाहिए, कि मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, बिल्कुल नहीं, मैं आग बबूला हो चुका, बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, ये भी नहीं होगा, मेरे प्राण सूख गए, यही होगा ना दोस्तों, शेर को सामने देखेंगे तो आप तो है नहीं बड़े खुश हो, मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया मतलब बड़े खुश हो गए, ये होता है इसका मतलब। 58 नंबर क्वेश्चन, सही मुहावरा है दोस्तों ये आपको बताना है, मुहावरा कौन सा सही लिखा है, नेत्रों में मिट्टी डालना कि आंखों में रेत फेंकना कि आंखों में धूल झोंकना कि आंखों में कचरा डालना, बताइए क्या सही आंसर होगा, समझ गए होंगे आप। 58 का
सी विकल्प, आंखों में धूल झोंकना। 59 नंबर क्वेश्चन, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना कि बहुत बड़ा होना, कि हाथों का व्यायाम करना, कि हाथ फैलाना। तो 259 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए विकल्प, पकड़ में ना आना। 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, सिर फिर जाना का अभिप्राय ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 60 का सही आंसर होगा क्या होगा, पहले विकल्प देखिए, चक्कर आ जाना, कि अहंकारी हो जाना, कि सर दर्द हो जाना, कि पीछे मुड़कर देखने लगना। सिर फिर जाने का मतलब दोस्तों क्या आपका बताइए। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों हमारा वो आपका होगा अहंकारी हो जाना। जी हाँ दोस्तों, बोलते हैं ना सिर फिर गया, बहुत अहंकार आ गया, घमंड आ गया, ऐसा कुछ। तो दोस्तों आज हमने पहले 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी के देख लिए हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके पहले 30 में से कितने नंबर के परफॉर्मेंस रही। अगर आपने 30 में से 225 नंबर स्कोर किया तो बहुत अच्छे हैं आप। अगर आपने 20 नंबर स्कोर किया तो अभी आपको मेहनत की जरूरत है। अगर दोस्तों आपने 30 में से 15+ स्कोर किया तो कड़ी मेहनत की जरूरत है। अगर दोस्तों आपने 30 में से 10 क्वेश्चन के भी उत्तर नहीं दे पाए तो आप इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हिंदी है दोस्तों उसको बहुत सीरियसली लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट से आपका जिसमें से आप आसानी से दोस्तों कितने नंबर आपके बन सकते हैं पता है, 30 में 30 नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें एक भी नंबर आपके नहीं कटने चाहिए, तभी आपका यूपी टेट में जो सपना है 120 नंबर का वो साकार होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आप लोग पढ़ाई करते रहे।